प्रॉपर्टी में किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो वहाँ पर जो इंक्रीज आपको देखने में आता है उसमें डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। जितनी तेज़ी से वहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने में आएगी तो रेट्स भी उतनी तेज़ी से आपको ज़्यादा देखने में आएंगे। विक्टोरिया सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ सॉइल टेस्टिंग जो है वो आज उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अनकरीब आप उसमें LDA अप्रूवल जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान कवी खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो विक्टोरिया सिटी के हवाले से है, बिकॉज विक्टोरिया सिटी की अगर बात करें जिसके डेवलपर जो है वो शेरावाला ग्रुप है और शेरावाला की सोसाइटी जो है ये फ्यू मंथ्स बिफोर आपको दी गई, जिसके अंदर आपने ना सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ किया बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आपने इसके रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रहा, इसको बाद में ओन के ऊपर भी लोगों ने बाय किया। इसके रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 70,000 तक, अगर हम 5 मरला की बात करें तो ओन उस पर डिमांड किया जाने लगा और जो ट्रेडिंग है वो 50,000 के करीब हुई। और अगर हम 5 मरला कमर्शियल की बात करें तो उस पर भी एक आपको अच्छा हैंडसम ओन दिखाई दिया और लोगों ने चीज़ें ऑन पे भी बाइंग की। रियल स्टेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो रियल स्टेट सेक्टर में जब मार्केट पॉजिटिव साइड पे होती है तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नाम देते हैं। मार्केट अगर स्टेबल हो जाए तो बाज़ दफ़ा जो चीज़ें आपने बाय की होती हैं जिस प्राइस पर आपको उसी प्राइस पर सेल करना पड़ जाती हैं, और अगर यही मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हो तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ता है। सो दैट्स वाई जब भी हम कोई चीज़ किसी को सेल करते हैं तो उसको हम यही गाइड करते हैं कि आपको उस इन्वेस्टमेंट को जो आपने बाय की हुई हो 4 साल के पेमेंट प्लान पे या 5 साल के पेमेंट प्लान पे, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए। और ज़्यादातर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर करें, लॉन्ग टर्म लेके चलें ताकि आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा हो। आज की जो मेरी वीडियो है वो विक्टोरिया सिटी में होने वाली अहम पेशरफ्त के हवाले से है, जिसमें सॉइल टेस्टिंग के हवाले से जो है वो पेशरफ्त हुई, प्लस LDA अप्रूवल के मुतालिक अहम मालूमात। बिकॉज अगर बात की जाए तो आज हमारा विजिट था साइट के ऊपर विक्टोरिया सिटी की, जहां पर जाकर इसकी सॉइल टेस्टिंग के लिए सैम्पलिंग की गई, क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी LDA अप्रूवल की तरफ कोई भी कदम उठाया जाएगा तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग के अप्रूव होने के बाद ही वहाँ पर इस सोसाइटी को जो है वो PP1 इशू किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर LDA अप्रूवल का ये पहला कदम होगा और यहाँ पर मशीनरी जो है वो आके लगेगी और वो लगने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। सो दैट्स वाई अगर हम आज की बात करें तो सॉइल टेस्टिंग वो पहला कदम है जो PP1 के लिए उठाया गया, बिकॉज जब LDA से सोसाइटी को PP1 इशू होगा तब यहाँ पर डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट होगा और फिर आने वाले वक्त में आपको फर्दर जो है PP2 जो है वो देखने में आएगा। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब PP1 इशू हो जाएगा इन लोगों को तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने में आएगी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये 2-साइडेड ओपन जो है वो सोसाइटी होगी, जिसकी पहली एंट्रेंस जो है वो आपको कैनाल रोड पर मिलेगी और इसकी दूसरी एंट्रेंस जो है वो आपको मुल्तान रोड पर मिलेगी। बट आपकी जो पहली एंट्रेंस है मोस्ट प्रोबेबली जो आपको देखने में आएगी वो आपको कैनाल रोड वाली साइड पर देखने में आएगी, जहाँ से आप इस सोसाइटी को पहले अप्रोच करेंगे। आने वाले वक्त में फर्दर जितनी भी इसमें चीज़ें होंगी डेवलपमेंट के हवाले से वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे और आप लोगों को जो है अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि वो लोग जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपनी चीज़ को जो है वो होल्ड करें और आने वाले वक्त के लिए रखें, बिकॉज आने वाले वक्त में उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस टाइम अगर हम मार्केट की बात करें तो विक्टोरिया सिटी को लेकर अभी भी पॉजिटिविटी है और वो लोग जो अभी भी प्री लॉन्च प्राइसेस पे कोई ना कोई चीज़ यहाँ बुक करवाना चाहते हैं इस सोसाइटी के अंदर तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों इन्वेस्टमेंट जो है वो करवा के दी जाएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है उन लोगों को मैं कहूँगा कि वो अपनी होल्डिंग पावर रखें और होल्डिंग पावर आप लोग को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फायदा देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो जो है ये आपको पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में तमाम चीजें आपको रियल स्टेट से रिलेटेड बर वक्त मिल सकें। प्लस इस सोसाइटी के अंदर आप कोई भी चीज बुक करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92333115800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।